हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान से संबंधित। आपका इतिहास टॉपिक देख रहे हैं हम लोग, तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी क्रांतिकारियों पर जो मुकदमे हुए थे उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज बात करने वाले हम लोग भारत के महान स्वाधीनता सेनानियों के बारे में। याद रखिए, इनसे आपका एक क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है, फिर चाहे आपकी कोई भी परीक्षा हो। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, भारत के महान स्वाधीनता सेनानी। तो बात करते हैं अब्दुल के गुलाम जिलानी। इनका जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1904 को। इनकी मृत्यु हुई है 10 फरवरी 1932 को। कहाँ मारे गए जी? इनकी मृत्यु हुई थी ढाका जेल में। फिर आपके अब्दुल गफ्फार खान, इनके जन्म की बात करें तो 6 फरवरी 1890 में इनका जन्म हुआ। 20 जनवरी 1988 को इनकी मृत्यु हो गई। वात्साह खान के नाम से लोकप्रिय सीमांत क्रांति भी कहे गए थे। खुदाई खिदमतगार आंदोलन लाल कुर्ती के नेता थे। भारत रत्न से सम्मानित भी किए गए। तो याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछ लेता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको याद रखना है अब्दुल गफ्फार खान को। इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने खिदमतगार आंदोलन या फिर लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से एक आंदोलन चलाया था और भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। फिर आपके आगा खान, इनका जन्म हुआ 1877 में। इनकी मृत्यु हुई 1957 में। इनके बारे में, आगा खान मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य एवं अध्यक्ष 1906 से 1913 तक। 1932 में लीग ऑफ नेशंस में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने। फिर आपकी अमलेंदु घोष, इनकी मृत्यु की बात करें तो 22 जनवरी 1947 को। इन्हें हम लोग बंगाल टाइगर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। वियतनाम दिवस मनाते समय पुलिस फायरिंग में मारे गए थे अमलेंदु घोष, ठीक है, बंगाल टाइगर। फिर आपके सर आशुतोष मुखर्जी। सर आशुतोष मुखर्जी का जन्म 29 सितंबर 1864 में हुआ। इनकी मृत्यु की बात करें तो 25 मई 1924 को भी। इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता था। किन्हें? सर आशुतोष मुखर्जी को। अब इसी तरह से क्वेश्चंस पूछ लेता है, रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से किसे जाना जाता था, तो बता सकते हैं आप लोग सर आशुतोष मुखर्जी। फिर हैं आपके अरविंद घोष। अरविंद घोष का जन्म हुआ 15 अगस्त 1872 को। इनकी मृत्यु हुई 5 दिसंबर 1950 को। बंगाल के उग्रवादी नायक पांडुचेरी में संत बन गए और युगांतर का संपादन किया था आपके अरविंद घोष ने, ठीक है, याद रखना। फिर आती है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का जन्म हुआ 1 अक्टूबर 1847 को। इनकी मृत्यु हुई 20 सितंबर 1933 को। ये प्रमुख थियोसोफिस्ट सेंट्रल हिंदू कॉलेज, अब BHU बोलते हैं इसे, की स्थापना की। होम रूल लीग 1916 में इन्हें चलाए। कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही 1917 में, ठीक है। इनसे संबंधित आपके प्रमुख तथ्य हैं, इनको आपको बड़े अच्छे से याद रख लेना है क्योंकि इन्हीं से पूछा जा सकता है। पूछ लेता है कि कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, ठीक है। फिर है आपका आचार्य जगदीश चंद बोस। इनके जन्म की बात करें तो 30 नवंबर 1858 में हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें 23 नवंबर 1937 को। बंगाल के ये वैज्ञानिक थे। फिर आपके आचार्य विनोबा भावे।
इनका जन्म हुआ 11 सितंबर 1895 को, इनकी मृत्यु हुई 15 नवंबर 1982 को। ये आपके भूदान आंदोलन से संबंधित थे, पूछ लेंगे भूदान आंदोलन से संबंधित कौन थे, तो आपको याद रखना है आचार्य विनोबा भावे। फिर आपके विजयन गांगुली, इनका जन्म हुआ 11 जनवरी 1884 को, इनकी मृत्यु हुई 7 जुलाई 1990 को। देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। फिर है आपके भोला भाई चटर्जी। भोला भाई चटर्जी के बारे में बात करें तो इनकी मृत्यु हुई 27 जनवरी 1916 को। जानकारी छुपाने के लिए आत्महत्या की थी इन्होंने, भोला भाई भोलानाथ चटर्जी। फिर आपके मालिनी प्रसाद भट्टाचार्य, 3 फरवरी 1935 को इनकी मृत्यु हुई, राजशाही जेल में फांसी हुई थी इन्हें। फिर आपके भगत सिंह, बहुत ही महत्वपूर्ण है भगत सिंह, इनका जन्म हुआ था 27 सितंबर 1907 को, मृत्यु हो गई इनकी 23 मार्च 1931 को। शहीद ए आजम भी बोला जाता है इन्हें, राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर जेल में फांसी हुई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में अभियुक्त थे, सैंडर्स की हत्या की थी इन्होंने, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। ये कई बार पूछ लेता है आपका, राजगुरु सुखदेव के साथ किसे फांसी हुई थी, तो भगत सिंह को, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र से संबंधित कौन थे, भगत सिंह। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर आपके इन्हीं से बनेंगे, इनकी डेट कम पूछेगी जन्म और मृत्यु की, लेकिन इनसे अधिकतर क्वेश्चन बनेंगे। फिर आपके वाकिंग चंद चटर्जी, इनका जन्म हुआ 27 जून 1838 और इनकी मृत्यु हुई 8 अप्रैल 1894। बंगाल के संत थे, वंदे मातरम आनंद मठ के रचयिता थे आपके बाकिंग चंद चटर्जी। फिर आपके विपिन चंद पाल, विपिन चंद पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 में हुआ और इनकी मृत्यु हुई 20 मई 1932 को। देश का नायक भी बोला जाता है, उग्रपंथी नेता थे। फिर आपके बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ 23 जुलाई 1856 में और इनकी मृत्यु हुई 1 अगस्त 1920 को। इन्हें लोकमान्य भी बोला जाता है, ये उग्रवादी नेता थे। फिर आपके बदरुद्दीन तैयब जी, इनका जन्म हुआ 10 अक्टूबर 1844 को, इनकी मृत्यु हुई 1906 में। हाई कोर्ट में पहले भारतीय वकील थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखिए। सी एफ एंडीविच, इनका जन्म हुआ 12 फरवरी 1871 में, इनकी मृत्यु हुई 5 फरवरी 1944 को। इन्हें दीनबंधु के नाम से जाना जाता है, याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। दीनबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है, सी एफ एंडीविच को। फिर आपके चंद्रशेखर आजाद, 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ, 27 फरवरी 1931 को इनकी मृत्यु हुई। 100 युद्धों के नायक के नाम से इन्हें जाना जाता है, आज़ाद के नाम से भी जाना जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता थे। कर्नल मिश्रा, इनका जन्म मृत्यु हुई इनकी 14 जुलाई 1945 को, नेताजी ने इन्हें शेर ए हिंद की उपाधि दी थी। फिर आपके धीरेंद्र नारायण मुखर्जी, इनका जन्म हुआ 24 जून 1899 को, इनकी मृत्यु हुई 19 फरवरी 1969 को, ये हमेशा में जेल में ही रहे। फिर आपके दामोदर चापेकर हरी के नाम से जाना जाता है इनका, इनकी मृत्यु हुई 18 अप्रैल 1898 में, यरवदा जेल में इन्हें फांसी हुई थी। फिर आपके दादा नौरोजी, दादा नौरोजी का जन्म हुआ
4 सितंबर 1825 को, इनकी मृत्यु हुई 30 जून 1917 को, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, याद रखना है, दादा भाई नौरोजी। फिर है आपके डॉक्टर राधा कृष्णन, इनका जन्म हुआ 5 सितंबर 1888 में और 17 अप्रैल 1975 को इनका निधन हो गया। ये महान दार्शनिक और स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति थे, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति भी रहे आपके डॉक्टर राधा कृष्णन। फिर हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ और इनका मृत्यु हुई 18 फरवरी 1963 में। देश रत्न, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। फिर आपके गोपाल कृष्ण गोखले साहब, इनका जन्म हुआ गोपाल कृष्ण गोखले साहब का 9 मई 1866 में, इनकी मृत्यु हुई 19 फरवरी 1915 को। देशनायक, गांधी के राजनीतिक गुरु, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक भी थे। फिर है आपकी यतेंद्र मोहन सेन गुप्ता, इनका जन्म हुआ 22 फरवरी 1885 को और इनकी मृत्यु हुई 23 जुलाई 1963 को। देशप्रिय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था इनका 11 अक्टूबर 1902 को, इनकी मृत्यु हुई 8 अक्टूबर 1979 को। लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को और समाजवादी के नाम से कस्तूरबा गांधी, 11 अप्रैल 1869 में इनका जन्म हुआ और 22 फरवरी 1944 को इनकी मृत्यु हो गई। ये सामाजिक कार्यकर्ता थी और गांधी जी की पत्नी थी, ठीक है। कुंवर सिंह, इनका जन्म हुआ 1770 में और इनकी मृत्यु हुई 1858 में। 1857 के विद्रोह के नेता और बिहार के जगदीशपुर से आंदोलन की शुरुआत की थी इन्होंने, कुंवर सिंह, ठीक है। पूछ लेता है कि जगदीशपुर में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आपको बता देना है कुंवर सिंह, ठीक है। फिर है आपके खुदीराम बोस, सबसे महत्वपूर्ण। खुदीराम बोस का जन्म हुआ 3 दिसंबर 1889 में और इनका निधन हो गया 11 अगस्त 1908 में। ये पहले शहीद थे भारत के पहले शहीद के का दर्जा मिला हुआ है आपके खुदीराम बोस को। मुजफ्फपुर के जज किंग्सफोर्ड की पत्नी की हत्या के जुर्म में इन्हें फांसी दी गई थी। किंग्सफोर्ड की हत्या का षड्यंत्र रचा था लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया था, इसमें उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। फिर आपके लाला लाजपत राय, इनका जन्म हुआ 28 जनवरी 1865 में और इनकी मृत्यु हो गई 17 नवंबर 1928 को, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। फिर आपके लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1904 को, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को और निधन हुआ या मृत्यु हुई इनकी 11 जनवरी 1966 को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। ये नारा कई बार पूछ लेता है तो याद रखना, जय जवान जय किसान का नारा आपके लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और ताशकंद में इनका देहांत हो गया था। फिर है आपके लेफ्टिनेंट जोसेफिन और हेवल डार स्टली, इन दोनों की मृत्यु हुई थी 3 अप्रैल 1945 में। आईएनए की रानी झांसी रेजिमेंट की 2 बहादुर महिलाएं थीं, ठीक है। फिर आपका मिस ईला सेन और मीरा देवी,
तो इनकी मृत्यु हुई है 27 जनवरी 1932 को, काला पानी की सजा हुई थी, मजिस्ट्रेट्स स्लेव की गोली मारकर इनने हत्या की थी। फिर आपके महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था, 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ, 30 जनवरी 1948 को इनकी निर्धन हो गया था, गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, ठीक है, गोंडसे ने। राष्ट्रपिता और बापू भी बोला जाता है महात्मा गांधी को। फिर आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 में हुआ और इनकी मृत्यु 22 फरवरी 1958 में हुई। अल हिलाल पत्रिका के संपादक भी रहे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता भी रहे। मालिनी देवी, मालिनी देवी का जन्म 20 नवंबर 1870 में हुआ, इनकी मृत्यु हुई 25 मार्च 1955 को, एक राष्ट्रवादी नेत्री थी। फिर आते हैं मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 में हुआ और इनकी मृत्यु हुई 12 नवंबर 1946 को, ये आपके राष्ट्रवादी थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक 1916 में मदन मोहन मालवीय थे। इन्हें महामाना की उपाधि से विभूषित किया गया था। फिर आपके मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा का जन्म 18 फरवरी 1883 में हुआ और इनकी मृत्यु 17 अगस्त 1909 को हो गई, लंदन में कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या की थी इन्होंने। निर्मल जीवन घोष, 1916 में इनका जन्म हुआ, 1934 में इनकी मृत्यु हो गई, राष्ट्रभक्त थे। नागेंद्रनाथ दत्त, 1885 में इनका जन्म हुआ, 1918 में इनकी मृत्यु हो गई, राष्ट्रभक्त थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ और 18 अगस्त 1945 को इनका निधन हो गया। आज़ाद हिंद फौज का गठन इन्होंने किया, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे, दिल्ली चलो का इन्होंने नारा दिया, तुम खून मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का ये नारा किसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिए व्यक्ति का जन्म उनका कम पूछा जाएगा, मृत्यु इनसे जुड़े जो प्रमुख तथ्य हैं उनके बारे में अधिकतर पूछा जाता है, तो आपको तथ्य इन्हें याद रखना है, महत्वपूर्ण तथ्य जो। फिर आपके प्रबोध कुमार भट्टाचार्य, प्रबोध कुमार भट्टाचार्य का की मृत्यु 12 जनवरी 1933 को हुई, मैदनापुर जेल में फांसी दी गई थी इन्हें। पंडित मोतीलाल नेहरू, इनका जन्म हुआ 7 मई 1861 में और इनकी मृत्यु हो गई 6 फरवरी 1931 में। स्वराज पार्टी के संस्थापक सचिव थे, नेहरू रिपोर्ट से संबंध थे आपके पंडित मोतीलाल नेहरू। फिर आपके प्रफुल्ल चंद चाकी, इनका जन्म हुआ 18 दिसंबर 1888 में और इनकी मृत्यु हुई 1 मई 1908 को, खुदीराम बोस के साथी थे। फिर आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ, इनकी मृत्यु हुई 27 मई 1964 को, राष्ट्र निर्माता के नाम से जाना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। 1946 में अंतरिम सरकार के नेता और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर आपके फिरोज शाह मेहता का जन्म 4 अगस्त 1845 को हुआ, इनकी मृत्यु हुई 5 नवंबर 1915 को। बॉम्बे क्रॉनिकल के संस्थापक थे आपके फिरोज मेहता, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने 1876 में की। फिर आपके रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 में हुआ, 21 जनवरी 1945 को इनकी मृत्यु हो गई। विप्लवी नायक बोला जाता है, दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था इन्हें रास बिहारी बोस ने। फिर आपके रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को हुआ, इनकी मृत्यु 7 अगस्त
1941 को। इन्हें कवि गुरु भी बोलते हैं, गुरुदेव भी बोलते हैं। साहित्य के लिए इन्हें नोबल पुरस्कार मिला है, गीतांजलि के लिए सबसे पहले इन्हीं को नोबल पुरस्कार मिला था भारतीय। फिर आपकी रोहिणी बरुआ, इनकी मृत्यु हुई 18 दिसंबर 1928 को, फरीदपुर जेल में फांसी हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल 18 जून 1897 को इनका जन्म हुआ, 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी, काकोरी कांड के अभियुक्त थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ और 4 जुलाई 1902 को इनका निधन हो गया। भारत की प्रेरणा के नाम से इन्हें संबंधित हैं। फिर है आपके सोहन लाल पाठक। सोहन लाल पाठक का जन्म 7 जनवरी 1883 में हुआ और इनका निधन हुआ 10 फरवरी 1916 को, मांडले जेल में इन्हें फांसी दी गई थी। सत्येंद्रनाथ बोस 1 जनवरी 1894 को इनका जन्म हुआ और 4 फरवरी 1974 को मृत्यु हुई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जन्म 10 नवंबर 1848 में हुआ और इनका मृत्यु 6 अगस्त 1925 को। भारतीय राजनीति के जनक माने जाते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ, 15 दिसंबर 1950 को इनका निधन हुआ। लोहे पुरुष की उपाधि से विभूषित हैं आपके वल्लभ भाई पटेल। अब पूछ लेगा कि लोहे पुरुष किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है वल्लभ भाई पटेल। ऊधम सिंह 26 दिसंबर 1899 में इनका जन्म हुआ और 31 जुलाई 1940 को इन्हें की मृत्यु हुई। भारत के लाल के नाम से जाने जाते हैं। मैडलिन स्लेड मीराबेन के नाम से भी जानी जाती हैं। 22 नवंबर 1892 में इनका जन्म हुआ, 20 जुलाई 1982 को इनका निधन हो गया। गांधी जी की प्रसिद्ध शिष्या 1982 में पद्म भूषण भी दिया गया था। कैथरीन मैरी हेलीमैन 1900 में इनका जन्म हुआ और 18 जुलाई 1982 को इनका निधन हो गया। गांधी जी की प्रसिद्ध यूरोपीय भक्त सामाजिक कार्यकर्ता कसोनी कुमायूं पहाड़ियों में आश्रम था इनका। विनायक दामोदर सावरकर 28 मई 1883 में इनका जन्म हुआ और 26 फरवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी नेता, हिंदू महासभा के अध्यक्ष और अभिनव भारत के संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा महाराष्ट्र में इन्हीं के नाम पर राजनीति गरमाई हुई थी। यही है आपके विनायक दामोदर सावरकर, हिंदू महासभा के अध्यक्ष के नाम से, इसीलिए इनकी राजनीतिकरण होता रहता है इनका। नेताओं को तो अपनी रोटी, इस समय के नेताओं को रोटी सेंकने से मतलब है, और कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए और कोई भी मतलब नहीं है, बस इनकी रोटी सिकती रहनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ये अभी तक हम लोगों ने बात कर ली है भारत के महान स्वाधीनता सेनानी, यही बात कर लेते हम लोग अंग्रेजकालीन प्रमुख समाचार पत्र, ठीक है। तो प्रकाशन वर्ष हो गया, ये पत्रिकाएं हो गए, संस्थापक हो गए, स्थान हो गया, वो भाषा। तो याद रखना बंगाल गजट आपका 1780 में निकला, इसके संस्थापक थे जे अगस्टस हिक्की। कहाँ से निकला था, कलकत्ता से। किस भाषा में था, अंग्रेजी में। 1816 में आपका बंगाल गजट निकलता है, इसके संस्थापक थे गंगाधर भट्टाचार्य। कहाँ से निकला था, कलकत्ता से, ये भी आपका अंग्रेजी भाषा में था। फिर आपका समाचार दर्पण 1818 में निकला है, इसके संस्थापक थे मार्स मैन, और इनका कहाँ से निकला था, कलकत्ता से, ये आपका बंगाली भाषा में था। दिग्दर्शन 1818 में मार्स मैन ने ही निकाला था, इसे कलकत्ता से ही निकला था, बंगाली में था ये। फिर आपका संवाद कौमुदी 1821 में,
पूछ लेता है, इसके संस्थापक पूछ लेता है कब निकला है, किस भाषा में था, कहाँ से निकला था। ठीक है, तो याद रखना है संवाद कुमुदी 1821 में राजा राम मोहन राय ने निकाला था, संस्थापक थे इसके, कलकत्ता से निकला था, बंगाली भाषा में था। मिरातुल अखबार 1822 में राजा राम मोहन राय कलकत्ता से निकला, फारसी भाषा में। बॉम्बे समाचार 1822 में फरदून जी मर्जवान इसके संस्थापक थे, बम्बई से निकला था, गुजराती भाषा में था ये। फिर आपका उदंड मार्तंड 1826 में जुगल किशोर इसके संस्थापक थे, कानपुर से निकला था, हिंदी में था ये। ठीक है, उदंड मार्तंड आपका हिंदी में था। बंगदत्त 1830 में द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न टैगोर इसके संस्थापक थे, कलकत्ता से निकला था, बंगाली भाषा में था। जामे जमशेद 1832 में पीएम मोतीवाला इसके संस्थापक थे, बंबई से निकला था, फारसी भाषा में था ये। राप्त गुप्तार 1851 में दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे, बंबई से निकला था, गुजराती भाषा में था। सत्य प्रकाश ये आपका 1852 में निकला। करसोन दास मूल जी इसके संस्थापक थे और अहमदाबाद से निकला था, गुजराती भाषा में था। हिंदू पेट्रियट 1853 में निकला, इसके संस्थापक थे गिरीशचंद घोष और हरिश्चंद मुखर्जी, कलकत्ता से निकला था, अंग्रेजी भाषा में था। सोम प्रकाश 1859 में निकला, इसके संस्थापक थे ईश्वरचंद विद्यासागर, कहाँ से निकला था, कलकत्ता से, बंगाली भाषा में था। इंडियन मिरर 1861 में निकला, इसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष, कलकत्ता से निकला ये, अंग्रेजी भाषा में था। टाइम्स ऑफ इंडिया ये आपका 1861 में, अंग्रेजी प्रेस रॉबर्ट नाइट इसके संस्थापक थे, बम्बई से निकला था, अंग्रेजी भाषा में था। इंदू प्रकाश 1862 में निकला, जस्टिस रनाडे इसके आपके संस्थापक थे, वो बम्बई से निकला था, मराठी भाषा में था ये। नेटिव ओपिनियन 1864 में निकला, बी एन मांडलिक इसके संस्थापक थे, बम्बई से निकला, अंग्रेजी भाषा में था ये। पायनियर 1865 अंग्रेजी प्रेस रॉबर्ट नाइट इसके संस्थापक थे, इलाहाबाद से निकला था, अंग्रेजी भाषा में था ये। फिर आपका ज्ञान पेदायनी 1866 में निकला, नवीन चंद राय इसके संस्थापक थे, लाहौर से निकला था, यह आपका हिंदी और बंगला बंगाली दोनों भाषाओं में था। फिर आपका कवि वचन सुधा 1867 में भारतेंदु हरिश्चंद इसके संस्थापक थे, वाराणसी से निकला था, हिंदू हिंदी में हिंदी भाषा में था। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में मोतीलाल घोष और शिशिर घोष इसके संस्थापक थे, कलकत्ता से निकला था, बंगाली और अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में था। मद्रास मेल 1868 अंग्रेजी प्रेस रॉबर्ट नाइट इसके संस्थापक थे, मद्रास से निकला था और अंग्रेजी में था ये। बंगदर्शन 1873 में बंकिमचंद चटर्जी इसके संस्थापक थे, कलकत्ता से निकला था, बंगाली भाषा में था। ट्रिब्यून 1877 सर दयाल सिंह मजीठिया इसके संस्थापक थे, लाहौर से निकला था, अंग्रेजी भाषा में था। हिंदी प्रदीप 1877 में निकला, बालकृष्ण भट्ट इसके संस्थापक थे, वाराणसी से निकला, हिंदी भाषा में था ये। ठीक, फिर हैं आपके स्टेट्समैन, ये आपका 1878 में निकला, रॉबर्ट नाइट इसके संस्थापक थे, कलकत्ता से निकला था ये और अंग्रेजी भाषा में था। हिंदू 1878 में निकला, वी राघवाचारी इसके संस्थापक थे, मद्रास से निकला था ये, अंग्रेजी भाषा में था। बंगाली इसके 1879 में ये निकला, एस एन बनर्जी इसके संस्थापक थे,
कलकत्ता से निकला था, अंग्रेजी भाषा में था ये आपका समाचार पत्र। अगला है आपका बंगवासी। वंगवासी ये आपका 1881 में निकला। इसके संस्थापक थे जोगिंदर नाथ बोस। कहाँ से निकला था? कलकत्ता से। किस भाषा में था? बंगला। मराठा 1881, बाल गंगाधर तिलक इसके संस्थापक, बम्बई से निकला था, अंग्रेजी भाषा में था। केसरी 1881 में, बाल गंगाधर तिलक बम्बई से निकला, मराठी भाषा में था। ये दोनों आपको बड़े अच्छे से याद रखना है, मराठा और केसरी आपके बाल गंगाधर तिलक थे इसके संस्थापक। इंडिया 1890 में, दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे, बम्बई से निकला था, अंग्रेजी भाषा में था। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड रिव्यू 1899 में, सच्चिदानंद सिंघा इसके संस्थापक थे, दिल्ली से निकला था, अंग्रेजी भाषा में था। इंडियन रिव्यू 1900 में निकला आपका, और जी ए नटेशन इसके संस्थापक थे, मद्रास से निकला था, अंग्रेजी भाषा में था ये। इंडियन ओपिनियन 1903 में, महात्मा गांधी ने, इंडियन ओपिनियन याद रखना, महात्मा गांधी इसके संस्थापक थे। ये आपका दक्षिण अफ्रीका से निकला था, अंग्रेजी भाषा में था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखना। फिर है आपका इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 में, श्याम जी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक थे, लंदन से निकला था, अंग्रेजी भाषा में था ये। युगांतर आपका 1906 से निकला, और इसके संस्थापक में आपके शामिल थे भूपेंद्र दत्त और बरिंद घोष। कहाँ से निकला था? कलकत्ता से, बंगाली भाषा में था ये। मॉडर्न रिव्यू 1907, रामानंद चटर्जी इसके संस्थापक थे, कलकत्ता से निकला था, अंग्रेजी भाषा में था। वंदे मातरम 1909 में निकला, हरदयाल और श्याम जी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक थे, पेरिस से निकला था, अंग्रेजी भाषा में था। प्रताप 1910 में निकला, गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संस्थापक थे, कानपुर से निकला था, हिंदी भाषा में था। अल हिलाल 1912 में निकला, अबुल कलाम आज़ाद इसके संस्थापक थे, कलकत्ता से निकला था, उर्दू भाषा में था। बॉम्बे क्रॉनिकल, परोसा मेहता इसके संस्थापक हैं, 1913 में ये निकला था, बम्बई से निकला था, अंग्रेजी भाषा में था। गदर 1913 में, लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे, सैन फ्रांसिस्को से निकला, अंग्रेजी भाषा में था। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, गदर। फिर आया कॉमन वील 1914 में, एनी बेसेंट इसकी संस्थापक थी, बम्बई से निकला था, अंग्रेजी भाषा में था। न्यू इंडिया 1914, इसकी भी संस्थापक आपकी एनी बेसेंट थी, ये भी आपका बम्बई से ही निकला था, अंग्रेजी भाषा में था। सर्वेंट ऑफ इंडिया 1918 में, इसके संस्थापक थे श्रीनिवास शास्त्री, वो मद्रास से निकला था, अंग्रेजी भाषा में था। इंडिपेंडेंट 1919 से निकला, मोतीलाल नेहरू इसके संस्थापक थे, इलाहाबाद से निकला था ये, और अंग्रेजी भाषा में था। फिर है आपका नवजीवन 1919 में, महात्मा गांधी इसके संस्थापक थे, अहमदाबाद से निकला था, ये आपका गुजराती भाषा में था। यंग इंडिया 1919, महात्मा गांधी इसके संस्थापक थे, अहमदाबाद से निकला था, अंग्रेजी भाषा में। हिंदुस्तान टाइम्स 1922, के एम पड़िक्कर इसके संस्थापक थे, बम्बई से निकला था, अंग्रेजी भाषा में था। हरिजन 1933 में निकला, महात्मा गांधी इसके संस्थापक थे, पुणे से निकला था, हिंदी भाषा में था ये। तो याद रखना, ये भी आपका पूछ लेता है कई बार, हरिजन के संस्थापक, हरिजन पत्रिका के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। तो चलिए, ये थी आपकी कुछ महान महत्वपूर्ण पत्रिकाएं भी। आगे हम लोग बात करेंगे कांग्रेस अधिवेशन और एक एवं संबंधित स्थलों के बारे में। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी आपके एक दो क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है।